पड़ा में आज सबसे पहले बात स्वतंत्र वीर सावरकर की, जिनको लेकर आज एक बार फिर एक राजनीति गरमाती नजर आ रही है। एक दिन पहले दिल्ली में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आरएसएस के प्रमुख सरसंघचालक मोहन भागवत ने सावरकर पर लिखी किताब का विमोचन किया। इस दौरान मोहन भागवत ने आजादी के बाद सावरकर को बदनाम करने की मुहिम चलाए जाने का आरोप लगाया। कार्यक्रम में बोलते हुए राजनाथ सिंह ने भी सावरकर पर झूठ फैलाए जाने का आरोप लगाया और कहा कि जेल में बंद सावरकर ने महात्मा गांधी के कहने पर ही अंग्रेजों को दया याचिका लिखी थी। सावरकर जी को बदनाम करने की मुहिम चली और सावरकर जी सामने थे, हिंदुत्व का विचार आज बोलने वाले लोग, उस समय बोलने वाले लोग, वो सामने थे, संघ सामने था। इनके बदनामी की मुहिम चली है, स्वतंत्रता के बाद बहुत तेजी से चली है। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतया जो एक कैदी को एक पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से यह अपील की थी। उन्होंने कहा था यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। यह बात महात्मा गांधी जी ने कही थी, लेकिन उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि मर्सी पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने क्षमा याचना मांगी थी, अपनी रिहाई की बात कही थी। यह सब सारी बातें बेबुनियाद और गलत हैं। क्या जानबूझकर सावरकर को बदनाम किया गया है? हमारे साथ जुड़ रहे हैं उदय माहुरकर जी, केंद्रीय सूचना आयुक्त भी हैं और इन्होंने ही सावरकर पर जो किताब लिखी है उसका विमोचन हुआ था। इन्होंने वो किताब लिखी है जहां पर सावरकर जी की फोरसाइट, दूरदर्शिता और उनकी सामरिक नीति पर उन्होंने फोकस करते हुए कहा कि अगर वीर सावरकर की सुनी होती तो शायद देश का विभाजन ना होता। आपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी बात कही है जो फरवरी 1947 में उन्होंने कही थी कि अगर देश के हिंदुओं ने आपकी बात मानी होती तो अपने ही देश में गुलाम नहीं होते। जिस तरह से पार्टीशन पर जिस तरह से मैसेकर और जेनोसाइड हुआ था उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये बात कही थी। पर उदय माहुरकर जी, आज लोग ये कह रहे हैं कि सावरकर वो व्यक्ति है जो महात्मा गांधी का हत्यारा है, आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, इसके लिए आपको मेरी पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। मेरी पुस्तक में देखिए, हमने ये पुस्तक एक नेशन फर्स्ट की भावना से लिखी है, वो भी सावरकर की नेशन फर्स्ट भावना। आपको याद रहे कि सावरकर वो व्यक्ति हैं कि नेहरू ने उनको इम्प्लीकेट किया है गांधी मर्डर के अंदर। उसके बाद में छूटने के बाद भी अगर नेहरू जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई अच्छे स्टेप लिए तो उसको उसकी उन्होंने सराहना की। तो उस भावना से हमने किताब लिखी हुई है और उनके उन पर जितने भी आक्षेप हुए, वो मर्सी पिटीशन के हों या देश विभाजनकारी उनकी सोच है उसको लेके हो, इस ये सभी चीज़ें हमारे जो रिसर्च के बाद में ये मालूम होता है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था वीर सावरकर को बदनाम करने का और ऐसे व्यक्ति का कि जिसका योगदान का हम अगर सही मूल्यांकन करें तो सावरकर टुडे इज ए प्रॉफिट, इज ए सावंत, इज ए यूनिफायर। ऐसी कॉन्स्पिरेसी पूरी दुनिया में नहीं होगी एक पेट्रियट को बदनाम करने की। गांधी मर्डर के अंदर जी खूब तथ्य हमने प्रोड्यूस किए हैं इसके अंदर, किस तरीके से उनको गलत तरीके से इम्प्लीकेट किया गया, किस तरीके से बाबा साहेब अम्बेडकर उनसे उनसे सहानुभूति रखते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस दौर के दौरान सावरकर की मदद करने की प्रयत्न किया, मदद करने की का प्रयत्न किया। तो ये सब भी आक्षेप जो थे वो टोटली बेबुनियाद हैं। उनका जो हेतु वो एक ही है। देखिए, जो जो ग्रुप्स, जो पोलिटिकल पार्टीज भारत को फ्रेगमेंटेड देखना चाहती हैं, टुकड़ों में बटा हुआ देखना चाहती हैं अपनी वोट की रणनीति और अपने आइडियोलॉजी के कारण, उनके लिए आवश्यकता है सावरकर को बदनाम करने की, क्योंकि सावरकर जो हैं वो देश की एकता और अखंडता के सब में बड़े प्रतीक हैं। जी बिल्कुल। और हमारे साथ इस वक्त रंजीत सावरकर जी भी जुड़े हैं, वो वीर सावरकर जी के पोते हैं। रंजीत जी नमस्ते।
वीर सावरकर जी ने कहा था जी आ सिंधु से सिंधु, यानी कि सिंधु नदी से सिंधु तक, यानी कि सागर तक जो भूमि है, जिसको जो इसको मानता है कि उनके पूर्वज यहाँ के हैं, वो सब इस देश के हैं, इस एक भारत के हैं, और ये भारत उनका है और वो सभी हिंदू हैं। ये उनके ऐसे में हिंदू की परिभाषा थी। लेकिन आज वीर सावरकर को एक देशद्रोही कहा जाता है, महात्मा गांधी जी के हत्या का षड्यंत्रकारी कहा जाता है, अंग्रेजों के साथ मिलकर हिंदुओं को अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने का को उन्होंने प्रोत्साहन दिया, ये कहा जाता है, बहुत सारी बातें कही जाती हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बातें बगैर कोई अध्ययन किए आधे आर्गुमेंट से की जाती है। महोलकर जी ने किताब में ये जो हिंदुओं का सैनिक सिंगने में जो भर्ती किया उन्होंने उसके बारे में तो उन्होंने बहुत एक्सप्लेन किया है। और मैं तो आगे जाके कहता हूँ कि अगर सावरकर ये सैनिकगण की मुहिम ना लेते तो 16 अगस्त 1947 को लाल किले पर पाकिस्तान का झंडा आपको दिखता होगा, क्योंकि वो जमाने में तो अराउंड 75% आर्मी मतलब मुस्लिम आर्मी, और जबकि विभाजन के समय अराउंड 70% आर्मी वॉज अ नॉन मुस्लिम आर्मी। तो ये जो फर्क है, अगर 75% सेना मुसलमान होती, और ये इतिहास है, ये हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं है, भारत की विभाजन ही हिंदू मुस्लिम प्रश्न हुआ है जी। और पूरे मुस्लिम जो यूनिट्स थे, जो मुस्लिम आर्मी यूनिट्स थे, वो पूरे पाकिस्तान चले गए, एंड नॉन मुस्लिम आर्मी यूनिट जो हिंदू यूनिट्स थे वो भारत आए, इतिहास है। तो जिससे जो सावरकर जी ने किया उससे देश का भला हुआ, उसके लिए भी टीका। गांधी हत्या में 2018 में 3 साल पहले एक सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दाखिल की गई थी कि कपूर कमीशन का नाम लेकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर टिप्पणी दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी भी अपॉइंट किया था, शरद बोबड़े जैसे और जो मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने इस पर निर्णय दिया है कि गांधी मर्डर में सावरकर को निर्दोष कोर्ट ने सिद्ध किया है, और कपूर कमीशन के आयोग में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सावरकर इस कितने कोर्ट है। तो कहीं तो कपूर कमीशन का नाम लो, जो अहवाल ऑफिशियली सरकार ने रिजेक्ट भी नहीं किया है ना उसको एक्सेप्ट भी किया है। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी नहीं किया, क्योंकि उसमें है बनते ही लिखा, उसमें गांधी के सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में बहुत कुछ टिप्पणी, इसलिए वो अहवाल एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसी चीजें पकड़कर सावरकर जी को, केवल वो हिंदुत्व के प्रणेते है और कांग्रेस एक हिंदुत्वी पार्टी से इलेक्शन हारी है, ये राजनीति की दृष्टि से जो बदनाम करने की मुहिम है ये चिंताजनक है, क्योंकि हमारे देश में हमने रिस्पेक्ट करना चाहिए, विरोधी मत भी हो तो सभी को अधिकार है विरोधी मत रखने का, तो विरोधी मत का मतलब देशद्रोह करना, ये गलत बात है जी। और सबसे